मैं हूं किशोर इसरानी। अक्सर हम फिल्म के हीरो की बात करते हैं, लेकिन अभी जिन हीरो की मैं बात करने जा रहा हूं, वो एक सेलिब्रिटी नहीं है, वो है आप और हमारे जैसे ही इंसान। और उन्होंने कोरोना काल में कैसे लोगों के लिए प्रेरणा देने का काम किया है और खुद आइडल बने हैं, उन्होंने मदद की है और कुछ ऐसे काम किए हैं जो वास्तव में बन गए हैं वो हीरो। तो आज उन कोरोना के हीरो की मैं स्टोरी दिखाऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किशोर स्वर्ण की सच्ची बात। के सबसे पहले हीरो में मैं नाम लूंगा जोधपुर के राकेश नरंकारी का, जो मास्क बेचते हैं, लोगों को मास्क पहनने की प्रेरणा देते हैं। वहीं जो पुलिसकर्मी दिन रात लगे हुए हैं, उनके लिए भी वो चाय ले जाते हैं। उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम राकेश है, उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी का रहने वाला हूँ। करीबन जोधपुर राजस्थान में 25 साल हो गए हैं। अपना छोटा बड़ा कारोबार करता हूँ, सूरन वगैरह बेचता हूँ। काम जो चल रहा था कोरोना काल के हिसाब से धंधा मंदा हो गया है, वो चल नहीं रहा। जब आगे जब देखा पुलिस वाले जो अपनी सेवा ड्यूटी निभा रहे हैं, बिना मास्क वालों का चालान काट रहे हैं, तो सबको पता है मास्क पहन करके ही बाहर निकले हम, के वजह बाहर ना निकले। तो मैंने एक मन के अंदर ऐसा कोई प्रश्न उठा कि मास्क बेचने का काम कर लेता हूँ। तो कपड़ा ला करके दर्जी से सिला कर मास्क बेचने का काम शुरू किया है। जब आगे गया तो बिना मास्क के बहुत लोग बाहर निकलते हैं, तो ये मास्क बेच करके अपने घर का भी परिवार का भी गुजारा चल रहा है और देश की भी जनता की भी सेवा हो रही है। और कोई गरीब आदमी मिल जाता है तो उनको भी मैं फ्री में मास्क दे देता हूँ। तो आगे जब पुलिस वाले जब मेरे को मिलते हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके देश की जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, तो मैं 10 तारीख से लॉकडाउन जब चालू हुआ तो मैं घर से चाय बना करके उन पुलिस वालों की सेवा के लिए आगे तक 50-60 लोगों की चाय पहुँचाता हूँ। जब पुलिस वालों ने प्रशंसा किया तो मैंने कहा मेरे अंदर कोई ऐसी कोई औकात नहीं है, ये मेरे को प्रेरणा संत निरंकारी मिशन से मिली है। जब संत निरंकारी मिशन से प्रेरणा मिली है तो आप तक इन्हीं की कृपा से पहुंचा हूं। तो पुलिस वालों को हमारा अरे उनकी बात को मानना है, उनकी उल्लंघन नहीं करना है। मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी है। पुलिस वाले भी बहुत सहयोग दे रहे हैं और चाय की भी सेवा हो रही है। जय हिंद जय भारत। कोरोना काल के दूसरे हीरो हैं उदयपुर के दीपेश हेमनानी, जिन्होंने 8 बार अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं दीपेश हेमनानी, मैं उदयपुर से हूँ। मैं लास्ट ईयर अगस्त में कोविड पॉजिटिव हो गया था और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। पर वाले के आशीर्वाद, माँ बाप की दुआओं और सभी मित्र जनों के आशीर्वाद से मैं दुआओं से ठीक हुआ। अब मैं आगे ऊपर वाले के आशीर्वाद से प्लाज्मा डोनेट करके जो भी गंभीर परिस्थिति में मरीज है उनकी हेल्प हो पा रही है वो कर रहा हूँ। मैं अभी तक 8 बार प्लाज्मा डोनेट कर चुका हूँ। कहीं ना कहीं मन को सुकून था कि इस कोविड के समय में लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, लोगों की जान बचा पा रहे हैं। क्या ऊपर वाले ने इस लायक समझा, तो ये तो ऊपर वाले का शुक्रिया है। मेरी तो कोई औकात नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन ऑल थैंक्स टू गॉड। आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा कि देखिए प्लाज्मा डोनेट करने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। प्लाज्मा डोनेट से आप लोगों की जान बचा सकते हैं इस कोविड के समय में और ये बहुत ही पुण्य का काम है। तो मैं युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि जो लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, आगे बढ़ के आए और प्लाज्मा डोनेट करें और लोगों की जान बचाएं। कोरोना काल के तीसरे हीरो हैं उत्तराखंड के देवी सिंह पवार, जो दिन रात पुलिस कर्मी लगे रहते हैं। उनको उन्होंने ग्लो दिए, जो कि इस समय कोरोना काल में बताई जा रही है कि ग्लो बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से उनको कैसे यूज किया जाता है ये भी उन्होंने पुलिस कर्मियों को बताया और पुलिस कर्मियों को ग्लो की सलाह दी कि हम इसको अपने अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। इस कोरोना के खिलाफ हमको जंग लड़नी चाहिए। पूरे क्षेत्र के लोगों से प्रार्थना है कि आप इस कोरोना के खिलाफ जंग लड़ो, इस कोरोना को निमंत्रण मत दो। ये गिलोई है, गिनगोड़ है, हिसर है, तमाम ये जड़े जो है औषधि के काम आती है। आज मैंने गांव से जो है ये गिलोई मंगाई है, क्योंकि ये कोरोना का टाइम है। इसको आप छिलके से आप इसका पाउडर बना सकते हो, इसका पाउडर ले सकते हो, इसको आप बारीक करके जो है मुंह में डाल सकते हो और इसका आप जो है पानी में उबाल के
उसका रस पी सकते हैं। हमारे जो है पुलिस प्रशासन बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। जब कोई शासन प्रशासन या सामाजिक संस्था अच्छा काम करती है, अच्छा कार्य करता है, तो उसका सम्मान होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको सम्मानित करते और प्रसन्नता भी। आइए धन्यवाद। थैंक यू आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोरोना काल के चौथे हीरो हैं मथुरा के सीए संजीव अग्रवाल, जो पूरे इस पीरियड में खुद व्यायाम कर रहे हैं, वहीं लोगों को भी व्यायाम करने की सीख दे रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने कई टिप्स भी दी हैं कि किस तरीके से हमें व्यायाम करना चाहिए। रोज सुबह उठकर व्यायाम करने से जहां हम अपने आप को एक अच्छा महसूस करेंगे, वहीं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी योग बहुत आवश्यक है। मथुरा के सीए संजीव अग्रवाल में खुद भी व्यायाम कर रहे हैं, औरों को भी व्यायाम करने की सीख दे रहे हैं। इसके लिए वो लोगों को अलग अलग टिप्स बता रहे हैं कि हम किस तरीके से साधारण तरीके से व्यायाम घर में ही कर सकते हैं। अब मैं जॉगिंग करके दिखाता हूँ, 2 मिनट का चैलेंज। देखिए एड़ी हिप्स से टक्कर खाती हुई, ये जंपिंग जैक्स की, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए शोर की सच्ची बात।